पिछले 5 दिनों के अंदर जो भी आपको चिंतन दिया, इसी मापदंड के आधार पर, इन्हीं चीजों के आधार पर आपको सही सही बातें मिल गई। और ये प्रश्न चिन्ह आपके दिल और दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि जब तक इन चिंतन के बिंदुओं पर आप विचार नहीं करेंगे, हम स्वास्थ्य से बहुत दूर होंगे। और वही प्रश्न है जो मैं वापस देता हूं, क्या चिकित्सा के प्रति हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक है? हम कितने वैज्ञानिक हैं? विज्ञान का मतलब क्या है? जो चिकित्सा शरीर के साथ मन और आत्मा तीनों को मिलाकर करेगी, वो चीजें क्या हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्या स्वास्थ्य के प्रति हम सजग हैं, क्या आधुनिक ज्ञान प्रति वैज्ञानिक है, क्या मौत और रोग का सीधा संबंध है, जानवर कैसे जीते हैं, इस प्रकार ये जो प्रश्न है, यदि आप इस प्रश्न पर चिंतन करेंगे तो स्वास्थ्य विज्ञान के प्रति आपका एक नया दृष्टिकोण पैदा होगा। और जिस दिन आपका नया दृष्टिकोण पैदा हो गया, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में होगा। नेक्स्ट, हमने प्रारंभ किया था प्रशिक्षण शिविर क्यों, और आज 5 दिन बाद मैं आपसे यह प्रश्न करता हूं कि इन 5 दिनों के अंदर हमने क्या खोया, क्या पाया, और कितना जिस चीज के बारे में हम पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे, कितनी चीजें हमारे अंदर, कितनी क्षमताएं हमारे अंदर भरी पड़ी है, हम उन क्षमताओं को देख लें तो क्या, क्यों, स्वस्थ, हमने ये सारी आपके सामने चिंता की। और इसलिए मैं कहता हूं, यदि कोई अंधा ठोकर खाता है तो लोग हंसता है, लेकिन मानव जैसा व्यक्ति यदि ठोकर खाता है, अपने स्वास्थ्य के लिए दूसरों पर आलंबित रहता है, तो ये निश्चय ही चिंतन और चिंता का विषय है। हम इस विषय पर, हमें इस बात को सोचना होगा, समझना होगा। और हमने जिन जिन बिंदुओं पर काम किया, फिर एक बात को दोहरा देना चाहता हूं, ये मूल मंत्र है, आप अपने दिमाग के अंदर लें, किसी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार करना ये मूर्ख है। तो अनुभव सत्य को बिना सम्यक चिंतन एवं तर्क की कसौटी पर कसे, प्रचार प्रसार के अभाव में पूर्वाग्रसित गलत धारणाओं के कारण अस्वीकार करने वालों को कैसे बुद्धिमान कहा जा सकता है? जिस प्रकार रत्न की पहचान डॉक्टर, वकील, नेता तथा सेनापति के साथ उसके लिए जौहरी की दृष्टि, ठीक उसी प्रकार शरीर की अनंत क्षमताओं को समझने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण आवश्यक होता है। मित्रों, स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर में समाधान है, प्रकृति में समाधान है, वातावरण में समाधान है, भोजन पानी और हवा के सम्यक उपयोग और विसर्जन में समाधान है। समाधान भरे पड़े हैं, परंतु उस व्यक्ति के लिए कोई समाधान नहीं है जिसमें अविवेक और अज्ञान भरा पड़ा है। सब व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतन और चिंता कौन करता है? और जब तक चिंतन और चिंता नहीं करेंगे, हमारा स्वास्थ्य हमें कैसे प्राप्त होगा? जय जिनेन्द्र, जय। आपने मुझे पिछले 6-7 दिन से लगातार मेरे विचार सुने, मेरे मन के अंदर एक तड़फन है, और वो तड़फन है हमारे अज्ञानता की। हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान रहे हैं। जिस शरीर के अंदर एक पिन छुप जाए, एक कांटा छुप जाए, एक सुई छुप जाए, उस समय ना आंख को देखना अच्छा लगता है, ना कान को सुनना अच्छा लगता है, ना मुंह को बोलना अच्छा लगता है, और मन जो दुनिया भर के अंदर चक्कर लगाता है उस स्थान पर आ जाता है। जिस स्वास्थ्य विज्ञान आज इतना विकास किया, लेकिन आज खून का एक बूंदन बना सका, हमारा सारा शरीर बनता है। हम छोटी से छोटी मशीन बनाते हैं, उसके अंदर सब कंट्रोल देते हैं। तो जिसके अंदर चेतना का इतना अधिक विकास हुआ हो, वो व्यक्ति बीमार पड़े, अंधा ठोकर खाए तो कोई नहीं हंसता, लेकिन अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बुद्धिमान, सबसे सभ्य मानने वाला मानव यदि बीमार पड़ता है, तो इससे बड़े अचंभे की कोई बात नहीं। ये हमारा स्वास्थ्य न 200 साल का है, न 500 साल का है, हजारों वर्षों अनंत काल से चला रहा है। जब ये पद्धतियां नहीं थी तब भी हम जी रहे थे। जंगल का जानवर कैसे जीता है? दुनिया के अंदर इतने जीव हैं, उनमें चेतनाशील प्राणी कितने कम होंगे, वो कैसे जीते हैं? आज जो दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो असाध्य रोगों से क्यों पीड़ित हो जाते हैं जब इतनी दफा उन्होंने दवाई ली है? और जो कभी डॉक्टर के पास ही जाते हैं बीमार होने पर, वो कैसे ठीक हो जाते हैं? जब तक हमारा मन और मस्तिष्क से बॉडी के साथ में कोऑर्डिनेट होगा, तब तक हमारे पास जो खजाना है हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे।
मैं तो ये कहना चाहता हूं, मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता ही नहीं है, स्वस्थ रहने की बात करता है। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर सागर में से एक बूंद मैंने आपके अंदर दी है, जो मैंने जीवन के अंदर जिया है। असाध्य से असाध्य रोगों के अंदर आपके शरीर के अंदर क्षमता है। यह मत कहिए कि इस चिकित्सा पद्धतियां, ये चिकित्सा पद्धतियां वैकल्पिक है, ये चिकित्सा पद्धतियां मौलिक है, अधिक प्रभावशाली है, स्थायी है, क्योंकि ये सहज है, सरल है, सबके लिए है, सब समय है और पूर्ण अहिंसक है, जिसमें किसी को किसी प्रकार का दर्द और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा में परावलंबन, और इसीलिए यह चिकित्सा पद्धति एक एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति नहीं थी। हमने इस चिकित्सा पद्धति का नाम दिया स्वावलंबी चिकित्सा पद्धति। हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, दूसरों पर परावलंबी नहीं बने, दूसरा व्यक्ति हमें सहयोग कर सकता है, लेकिन यदि हम अपना सहयोग स्वयं नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें स्वस्थ नहीं सकती, क्योंकि स्वस्थ का मतलब होता है अपने आप के अंदर जीना। हम राहत मिल सकते हैं, आज हमने लक्षणों को उपचार मान रखा है। दूसरा बात थी प्रभावशाली, इस युग के अंदर वही चिकित्सा टिकेगी जिसके अंदर तुरंत प्रभाव हो। हम यदि हम प्रभाव को समझना नहीं चाहते हैं और हम उसके बारे में बात करते हैं तो उस चिकित्सा के साथ में धोखा होगा, बुद्धिमत्ता नहीं होगी। गांव का कोई भी मूर्ख व्यक्ति डॉक्टरों के सभा के अंदर जाकर अगर किसी विषय पर बात करता है, उसी ढंग से आज इन चिकित्सा पद्धति के बारे में जो बात की जाती है, उन व्यक्ति ने शरीर को जिया नहीं है, शरीर की क्षमता को पहचाना नहीं है, इसलिए उनको यह कहना पड़ता है कि चिकित्सा प्रभावशाली नहीं है, स्थायी नहीं है। मैंने जीवन के अंदर जितने भी दुर्घटना हुई उसके अंदर जिया है, और जीने के बाद में जो लाभ मिला है उस लाभ को आप तक से पहुंचाना चाहता हूं। दीपक से दीपक जले, आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसको हम आगे से आगे पहुंचाएं, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। एक ऐसी क्लास को चलाना जिसके अंदर सभी लोगों का स्तर अलग अलग हो, सभी लोग अलग अलग मान्यताओं से पीड़ित हों, अलग अलग मानसिकताएं हों, और उसके अंदर इस नए विचार को देना मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे पहले 1.5 घंटे तक लगातार मेरी बात को सुना, समझा, और अपनी शंकाओं के माध्यम से मुझे खुद को प्रशिक्षित किया। ये मैंने आपको प्रशिक्षण दिया है, आपने मुझे प्रशिक्षित किया है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। मैंने जो चिंतन के बिंदु आपके सामने दिए हैं, जिस एम्स और ऑब्जेक्ट को लेकर हम शिविर के अंदर आए हैं, उस शिविर के अंदर कितने सक्सेस हुए, मैंने तो खाली एक इसका शुरुआत एक सिद्धांत एक पत्र का है। यदि आप वास्तव में स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारे यहाँ पर जो केंद्र चलते हैं, आप निरंतर संपर्क में रहिए, अपना स्वास्थ्य सुधारिए, अपने परिवार का स्वास्थ्य सुधारिए, अपने आप को प्रयोग सलामत बनाइए। यदि आप जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इन चिकित्सा पद्धति को अपनाइए, आप स्वावलंबी बनिए, अहिंसक बनिए। शरीर के साथ साथ चिकित्सा के नाम पर जो मन के विकार बढ़ाने वाले हैं, जो आत्मा के विकार बढ़ाने वाले हैं, दवाइयों के नाम पर जो हिंसा हो रही है, हम उनसे बचें, ताकि हमारा जन्म जन्मांतर तक हम सुखी हो सकें। हम शरीर से नहीं, मन से और आत्मा से सुखी बने। जय जिनेंद्र, जय महावीर।